बाकी था। सिंघानीज ने हमें किसी बेहूदा पार्टी के लिए इनवाइट किया है। वाय पापा वाय। किसकी पार्टी? इलाज सिंघानी की पार्टी। हम जाएंगे क्योंकि हम शरीफ लोग हैं, लेकिन हमारी शराफत हमारी मजबूरी हो जाती है पापा, और ये सब आपकी वजह से। ये सब आपकी वजह से। आपने आपने उस औरत को इतनी छूट दे रखी कि वो अपने घर में बैठे बैठे हम सबों की खुशियां तबाह कर देती है। सो वहां पार्टी है, और शायद पहली बार हमें वहां पर बुलाया जा रहा है। मेरे ख्याल से I think we should go. आप अपना ख्याल अपने पास रखिए, फिर आपसे किसी ने पूछा भी नहीं। एक बात कहूं जतिन, हमें कोई भी तबाह नहीं कर सकता इलावा हमारे। इस परिवार के हर सदस्य को अपना फैसला खुद करने का हक है जतिन। अब तुम्हें पता चला महलों में रहना कैसा होता है? यानी सर पर ताज रखकर गलियों में घूमा नहीं जाता। मैंने इसे क्या किया निखिल, जो तुम मुझे गलियों के ताने दे रहे हो? ललित और तुम दोनों एक ही दुख से गुजरे हो, सो एक दूसरे के लिए महसूस करना बड़ा नेचुरल है। लेकिन इस एहसास को शब्द दोगी, अपनी मन की बात को ऊंची आवाज में कहोगी, तो क्या मां को बुरा नहीं लगेगा? मां को या तुमको? ललित के साथ मेरा रिश्ता क्या तुम्हारे मन में नहीं खटक रहा? सिंघानी खानदान में रहोगी तो क्या सिंघानी खानदान का डिसिप्लिन नहीं मानोगी? ये तुम कह रहे हो? तुम देखो सपना, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और ये मर्यादा टूटेगी तो। कौन सी मर्यादा तोड़ी है मैंने? क्या गजब हो गया अगर मैंने कह दिया कि मैं ललित अजमेरा से मिलना चाहती हूँ? इस नए रिश्ते के लिए क्या बाकी सब रिश्ते भुला दिए जाएंगे? तुम भी मुझे समझ नहीं सकते। मैं कोई भी रिश्ता नहीं भूलना चाहती, लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि इस नए रिश्ते को भुला दो, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये रिश्ता है और हमेशा रहेगा, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा। मैं शायद ये कभी नहीं समझ पाऊंगा कि किडनैपर उसने क्या सोचकर मेरे को और स्वप्ना को उठाया था। हम दोनों अपनी अपनी फैमिलीज के वो आखिरी इंसान थे जिनके लिए रुपया दिया जाता था। यू नो व्हाट, माय डजंट मेक सेंस। हमसे बेहतर टारगेट भी हो सकता था। ललित, बात ऐसी नहीं थी कि नहीं माया, ऐसी बात नहीं है कि हमसे प्यार नहीं किया जाता। तुमने रुपया ना देकर बिल्कुल ठीक किया है। अजमेरा उसको धमकी नहीं दे सकते, अजमेरा धमकी के सामने नहीं झुकते। ये बात वो सब जानते हैं जो हम लोगों को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि मैं ही क्यों, स्वप्ना ही क्यों? स्वप्ना कैसी थी? उस जैसी लड़की मैंने नहीं देखी। क्या दम था, क्या साहस। प्रेग्नेंट थी और एकदम चट्टान की तरह मजबूत। हर मां बनने वाली औरत
मजबूत होती है ना मैं? जब मैं मैसेज भेजता था तो मेरे लिए पहरा देती थी, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे खड़ी रही जैसे असली माया। उन लोगों ने सपना को ठीक ही उठाया, उसके लिए दूसरे तो क्या, मैं ही 10-20 करोड़ रुपए देता। माया उसकी वैल्यू रुपयों से बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है। पेपर तो नहीं पढ़ रहे? नहीं, सोच रहा था। जिंदगी में इतना नाजुक मकाम भी आ जाएगा, सोचा भी नहीं था। 25 साल के बाद मुझे फिर उससे मिलना पड़ेगा। पड़ेगा? हाँ, जो हमारे बच्चे के लिए 5 करोड़ रुपए दे दे और अगर वो बुलाए तो जाना ही पड़ेगा। आप ऐसे नादान तो कभी न थे कि वो जाल फैलाए और आप उसमें फंसते चले जाए। उसने इतनी बड़ी रकम अगर दी है तो अपनी बहू स्वप्ना के लिए दी है, हमारे ललित के लिए नहीं। आई एम सॉरी, मैंने कसम खाई थी कि उसके बारे में कभी बात नहीं करूंगी, मगर जहां तक मैं उसे समझती हूं, इतनी बड़ी रकम उसने अपनी बहू के लिए दी, मैं तो कहूंगी कि अपने स्वाभिमान की पूर्ति के लिए दी। बेचारा ललित, अगर वो मर भी जाता और इला सिंघानी को अपनी बहू मिल जाती तो शायद वो। नहीं नहीं चंद्रिका, तुम उसे मुझसे ज्यादा नहीं समझती। रुपया उसने स्वप्ना और ललित दोनों के लिए दिया है, क्योंकि वो जानती थी कि मैं। आप शायद ठीक कह रहे हैं, आपको जाना ही पड़ेगा। 25 साल बाद भी इला सिंघानी आपको गुंगा कर सकती है। निखिल, सपना पर दबाव डालकर तुम ही समझा सकते हो कि हम यानी कि सिंघानी तो ऐसे ही हैं। यहां के हिसाब किताब से उसे ही बदलना होगा, हम तो उसके हिसाब से बदल नहीं सकते। कल पार्टी है, आज मेरा जा रहे हैं, उन्हें तो आना ही पड़ेगा। वो खुद हमारे घर तक चल के आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक तरह की जीत है। आखिर उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर हम चाहेंगे तो उन्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सिंघानीज हैं, सिंघानीज। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे हम लोग कोई संत महात्मा है। हम लोग कुछ भी नहीं, जो भी कुछ है माँ है, और बेशक माँ एक महान आत्मा है, वरना कोई 10 करोड़ रुपए यहीं उठा के दे नहीं देता। 10 करोड़। तुम एक आर्टिस्ट हो, जिंदगी भर पेंटिंग्स बनाते रहो तब भी 10 करोड़ तो दूर, 1 करोड़ भी जमा नहीं कर सकते। मुझे ले लो, लोग मेरी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं मेरा, लेकिन क्या मैं अकेले 1 करोड़ कमा सकता हूं? मां ने 10 करोड़ यूं दे दिए जैसे कि हम किसी वेटर को 10 रुपए टिप में दे देते हैं। सपना के लिए जरूरी है कि वो ये सब समझे। कम उम्र की है, बेवकूफ है, उसे समझाओ कि सिंघानी की हैसियत क्या है। मैंने हैसियत समझाने की कोशिश की थी, मगर हमारी बीवी को हैसियत समझ नहीं आती। भाई, जिस दुख में से वो गुजरी, जिस दुख से गुजरना था गुजर चुकी, उसे हैसियत समझाओ। हैसियत अगर तुम खुद समझ सकते हो तो। नहीं ललित, नहीं,
अब दूसरी बार ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे बगैर एक बार तो तुम्हें खो दिया था, अब दोबारा किसी रिश्ते की भूल भुलैया में मैं तुम्हें गुम नहीं होने दूंगी। मुझे मालूम है, मैं समझ सकती हूं 7 दिन तुमने और स्वप्ना ने कैसे गुजारे हैं। मुझे एहसास है कि तुम पर क्या गुजरे होगे, लेकिन क्या मैं तुम्हें यह पूछ सकती हूं, क्या हम अजमेराज नहीं है? क्या हमारी सिंघानी से दुश्मनी नहीं है? वो 7 दिन क्या हमारी जिंदगी से भी ज्यादा? 7 दिन नहीं माया, वो 7 रातें चुभती हैं जो मैंने उसके साथ गुजारी थी। सीधा सीधा सच क्यों नहीं कहती हो? हाँ, वो हर रात हमारे सर पर पांव रखकर रौंद कर गई है। वो हर रात हम मरे हैं माया, क्या तुम जान सकती हो, महसूस कर सकती हो? हाँ, कि रात को कब्र में सोना और सुबह कब्र से निकलना क्या होता है? जानती हो, मैं भी कब्र से निकल कर आई। उस कब्र में तुम अपनी मर्जी से गई थी माया, मगर मैं उस कब्र में अपनी मर्जी से नहीं गया था। सिंघानी, इसको तुम दुश्मन मानती हो, हम सब मानते हैं, मगर क्या इला सिंघानी ने मेरे लिए रुपए नहीं दिए थे? हमें जिंदगी से प्यारे हमारे असूल हैं माया, और इला सिंघानी ने मेरे लिए रुपए देकर हमारे असूलों के मुंह पर थप्पड़ मारा है। लेकिन मेरे लिए माया, मेरे लिए वो दुश्मन नहीं है, वो दोस्त है हमारे। और स्वप्ना, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ललित की बीवी माया ने खुदकुशी करने की कोशिश की और इस बात को दबा दिया गया। उनके लिए तो ललित कब्र से वापस आया है, दूसरा जन्म है उसका, एंड ऑफ कोर्स ये सब आप ही की वजह से। लिहाजा वहां हवन हो रहे हैं, पूजा हो रही है, अखंड पाठ चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि 10-15 दिन से पहले वहां का कोई भी मेंबर घर से बाहर आएगा। आएंगे, सभी आएंगे। इस बार हसमुख अजमेरा के लिए हमारा इनविटेशन ठुकराना मुश्किल हो जाएगा। पूरा अजमेरा खानदान इस पार्टी में शरीक होगा। पार्टी? हाँ, स्वप्ना के लौट आने की खुशी में, और उन्हें यहां तक एस्कॉर्ट करके लाओगे तुम, गोपाल। पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। ये मीटिंग एक यादगार मीटिंग होनी चाहिए। और स्वप्ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे सिंघानी खानदान का सर नीचा हो? जी माँ जी, मुझे जो करना है उसके करने से सिंघानी खानदान का सर नीचा नहीं होगा। गोपाल, तुम्हें देर नहीं हो रही? जी। संगीत, आई वॉन्ट यू टू कॉन्टैक्ट खाना सिंह ज्वेलर्स। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज्वेलर्स में गिने जाते हैं, और हमारे परिवार से उनका रिश्ता पुश्तो पुराना है। आज नहीं तो कल 10 करोड़ के हीरे मार्केट में बिकने के लिए आएंगे ही। आई वॉन्ट टू नो व्हेन दैट हैपेंस। और तब जोगी को समझ में आएगा कि हीरे रईसों की कमजोरी है, मगर चोरों और भिखारियों की ताकत नहीं। Thank you.
नेम प्लीज? कुंवर बल्दानिया, फ्रॉम बल्दानिया स्टेट। यू आर वेलकम सर। श्री साई। सोनाली सिंघानी से बात करना चाहता हूं। हाय। कितने साल हो गए जब से तुम्हें आखिरी बार देखा था और कल फिर देखूंगी। क्या तुम मानोगे कि मेरा दिल पत्ते की तरह वैसे ही कांप रहा है जैसे पहले कांपा करता था? आज संजीत ने पूछ ही लिया कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है। बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ जानना चाहते हैं। रिश्ते में कुछ बाकी है क्या? मैं तो सोचती रहती हूं, क्या तुम सोचते हो? क्या सोच रहे हैं आप? हैं? कुछ नहीं। मैं बताऊं क्या सोच रहे हैं आप कल के बारे में? कल परसों बाद वो फिर मिलेगी, उसे कैसा लगेगा, तुम्हें कैसा लगेगा, इसी दुविधा में है ना आप? जो खत्म हो चुका वो खत्म क्यों नहीं हो जाता? वक्त तो सांप की तरह निकल गया मगर लकीर अभी तक बनी हुई है। पास्ट, ये पास्ट गुम क्यों नहीं हो जाता? यादें काले साए की तरह दिल को क्यों घेरे रहती है? तुम वो नहीं रहे, मैं भी वो नहीं रही, फिर सब कुछ बदल गया है। मगर कुछ ऐसा है जो अब भी नहीं बदला। वक्त पुरुष को मजबूत बनाता है मगर उम्र औरत को कमजोर बनाती है। बहुत मजबूत थी वो औरत, स्ट्रॉन्ग, एम्बिशियस, सीने में जैसे दिल की जगह पत्थर रखा हुआ हो। मुझे इस बात की खुशी है। स्ट्रॉन्ग और एम्बिशियस ना होती तो मैं यहां ना होती। कल मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि दुश्मन में कितनी ताकत बाकी है। मुझे नहीं मालूम मगर तुम्हारे साथ जंग का ये रिश्ता मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगी।